एरवावी पंछी बनू उड़ती फेरू मस्त गगन में। अरे नहीं नहीं, मैं यहाँ गाना गाने नहीं आई हूँ, टेंशन मत लो। पंछी बनने के बारे में हमारी आर्या सोच रही होगी, क्यों नहीं सोचेगी। आर्या हमेशा से उड़ने के सपने देखती थी। आओ जाने के आर्या ने अपने सपने साकार कैसे किए। चलिए कॉकपिट में उसके साथ बतौर पायलट उसकी पहली उड़ान पर। सचमुच आज का दिन खास और रोमांचक है। सुनते हैं कहानी कॉकपिट में आर्या। ओरिजिनल स्टोरी आर्या इन द कॉकपिट बाय नंदिता जयराज। हिंदी में अनुवाद किया है विभा लोहानी। चित्र बनाए हैं उपमन्यु भट्टाचार्य। ये प्रथम बुक्स प्रकाशन की पेशकश है। आर्या हमेशा से उड़ना चाहती थी। 4 वर्ष की आयु में वो रोजम्मा बनना चाहती थी। रोजम्मा को उसने पहली बार सर्कस में देखा था। वो एक कलाबाज थी। आर्या भी उनकी तरह चमकीले कपड़े पहनकर हवा में झूलते हुए कलाबाजी करना चाहती थी। हजारों दर्शक उसके लिए ताली बजाते। वो रोज गुलाबी रंग के बुढ़िया के बाल खाती और उसका सबसे अच्छा दोस्त सर्कस का जोकर होता। सर्कस के कलाबाज एक लंबी सीढ़ी पर चढ़कर ऊपर टंगे एक पतले पट्टे पर खड़े होते हैं और रस्सी से बंधे एक डंडे जिसे फ्लाईबार कहते हैं उसे पकड़कर झूलते हुए हवा में कलाबाजियां करते हैं। दूसरी तरफ पट्टे पर खड़े उनके कलाबाज साथी उन्हें पकड़ने का इंतजार करते हैं। जब आर्या 8 वर्ष की थी तब वो कल्पना चावला बनना चाहती थी। उसने अपने लिए नारंगी रंग का अंतरिक्ष सूट भी बनवाया जिसे वो दिन रात पहने रखती थी। आर्या, क्या तुम्हें इस सूट में गर्मी नहीं लगती? नहीं अम्मा, अंतरिक्ष यात्रियों को ऐसे सूट की आदत डालनी पड़ती है। अंतरिक्ष पृथ्वी की तरह सुरक्षित जगह नहीं है। मेरा सूट मेरी रक्षा करेगा। कल्पना चावला का जन्म भारत के हरियाणा राज्य में हुआ था। बड़ी होकर वो अंतरिक्ष यात्री बनी और उन्होंने 252 बार पृथ्वी की परिक्रमा की। कल्पना चावला का देहांत अपना कार्य करते हुए एक दुर्घटना में हुआ जब अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में लौटते हुए उनका अंतरिक्षयान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 12 वर्ष की आयु में आर्या एमेलिया एयरहार्ट बनना चाहती थी। उसने स्कूल के एक परियोजना कार्य के लिए हवाई जहाज का एक प्रतिरूप भी बनाया था। प्रतिरूप उड़ा तो नहीं पर आर्या को उसकी कोशिश के लिए दूसरा स्थान मिला। आर्या ने उस दौरान एमेलिया एयरहार्ट जैसे बाल भी कटवा लिए थे। एमेलिया एयरहार्ट अटलांटिक महासागर के ऊपर से अकेले उड़ान भरने वाली पहली महिला विमान चालक थी। एमेलिया का सपना भूमध्य रेखा के समानांतर उड़ान भरते हुए पृथ्वी की परिक्रमा करना था। उन्होंने इस सपने को पूरा करने के लिए उड़ान भी भरी परंतु प्रशांत महासागर के ऊपर कहीं उनका विमान लुप्त हो गया। जल्द ही आर्या ने अंगुलियाबाई, कुमुदम्मल और सरला ठकराल के बारे में सुना। ये विमान चलाने वाली पहली भारतीय महिलाएं थी। अंगुलियाबाई तो मात्र 16 वर्ष की थी। मैं बड़े होने का इंतजार नहीं कर सकती अम्मा। क्यों? ताकि तुम गाड़ी चला सको? नहीं, ताकि तुम वोट डाल सको? नहीं, फिर क्यों? ताकि मैं हवाई जहाज उड़ा सकूं। मई 1935 को 19 वर्षीय कुमुदम्मल और 16 वर्षीय अंगुलियाबाई ए लाइसेंस पाने वाली पहली भारतीय महिला विमान चालक बनी। उन्होंने मद्रास फ्लाइंग क्लब में प्रशिक्षण प्राप्त किया। जब आर्या 18 वर्ष की हुई तो वो लड़ाकू विमान चालक यानी फाइटर पायलट बनना चाहती थी। ये कौन है चेची? उसके छोटे भाई राजू ने दीवार पर लगी तस्वीर देखकर पूछा। ये भावना, अवनी और मोहना है, भारत की पहली महिला फाइटर पायलट। क्या ये आपकी दोस्त है? आर्या हंस पड़ी। क्या पता कभी ये मेरी दोस्त बन ही जाए राजू। मोहना, भावना और अवनी भारत की पहली महिला फाइटर पायलट यानी लड़ाकू विमान चालक है। इनसे पहले केवल पुरुषों को ही फाइटर पायलट बनने की अनुमति थी।
वो ऊपर आकाश में उड़ान भरते हुए हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करती है। बाढ़ और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान ये बचाव कार्यों में भाग लेती है। आर्या ने विमान चालक का प्रशिक्षण पाने के लिए पैसे बचाए। कई वर्षों तक कठिन पढ़ाई कर उसने अनुभवी विमान चालकों से प्रशिक्षण लिया। उसने बहुत मेहनत की और खूब गाजरें खाई। अम्मा का कहना है कि गाजर आंखों के लिए बहुत अच्छी होती है। और आज आर्या कॉकपिट में बैठी है। आज उसके लिए बहुत खास दिन है। वो बहुत उत्साहित है। आज सुबह उसके विमान में दो खास यात्री हैं। देवियों और सज्जनों, मैं हूं आपकी कप्तान आर्या। विमान में आपका स्वागत है। चेची, मेरी बेटी। हमारे साथ ऐसी बहुत सारी कहानियां सुनते रहिए www.booksthatspeak.com पर। धन्यवाद। एरवावी, एरवावी।